हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग जो है टॉपिक नंबर कंप्लीट करेंगे, डिमांड वाला टॉपिक, ऑल्सो नोन एज यूनिट नंबर 2 का जो सेकंड टॉपिक था डिमांड वाला। यहाँ पे आ जाओ, सिलेबस दिखा रहा हूँ। CUT प्रिपरेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं। टोटल 40 क्वेश्चन करने हैं आपने सॉल्व आउट ऑफ 50। एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे सही तो आपको 5 नंबर मिलेगा और यू कैन से 5 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने गलत करा तो 1 मार्क निगेटिव है। तो यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। यूनिट नंबर 2 के अंदर कंज्यूमर इक्लेम ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया, प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ मिल जाएगा। तो आज वाली वीडियो में हम लोग जो है डिमांड वाला चैप्टर्स कर रहे हैं। डिमांड वाले में आपको मार्केट डिमांड पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ना है, उसके अलावा डिमांड स्केड्यूल पढ़ना है, डिमांड कर्व पढ़ना है, मूवमेंट अलोंग और शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ना है, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी मेजरमेंट, इसके अलावा परसेंटेज, टोटल और ज्योमेट्रिक। तो तीनों मेथड आपको पढ़ना है। तो आइए ज़रा पढ़ें हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिमांड का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स और यू कैन से डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड वैसे पढ़ना नहीं, फिर भी पढ़ा देंगे, छोटा सा टॉपिक है। और 6 वाला टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, और लास्ट है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है आज। जी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये वाला नहीं पढ़ना, बट नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, ध्यान रख लेना। डिमांड का सिंपल मतलब क्या होता है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें तीन चीज़ें याद रख लेना, नंबर 1 एक तो टाइम, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, ठीक है जी, जो एक कंज्यूमर विलिंग टू बाय करता है। एक छोटा सा टॉपिक भी होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, तो उतना ज़्यादा डिटेल में वो पूछेगा नहीं, सिंपल उन्हें बोलूँ तो इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है जब कोई कंज्यूमर विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइस एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे करने को रेडी रहता है क्वांटिटी डिमांड का, तो उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। तो सिंपल डिमांड का मतलब आपसे पूछ सकता है अभी, जब आप CUT पास करके ग्रेजुएशन लेवल में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, राइट। तो डिमांड का सिंपल मतलब क्या होता है, आपने जो क्लास 11th में पढ़ा था वही सेम चीज़ होता है। डिमांड का मतलब होता है क्या, क्वांटिटी डिमांड, अगर कोई कंज्यूमर विलिंग टू बाय करता है गिवन प्राइस पे और गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, तो उसे आप डिमांड बोलते हो। डिमांड का कर्व कैसा होता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और आप कर्व टाइप में भी बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन कर्व जैसे मर्जी वैसे बना दो। तो दोनों डिमांड कर्व आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो निगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसीलिए क्या होता है जी, डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, रीजन भी बता दिया मैंने। फैक्टर्स ऑल्सो नोन एज डिटरमिनेंट्स, तो कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं, देखो जी जब इसको ना इस टाइप में लिखते हो आप तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शंस ऑफ डिमांड। तो फंक्शंस या डिमांड फंक्शन बोले ना, तो जब हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसे बोलते हैं क्या, डिमांड फंक्शंस, दैट इज डिमांड ऑफ एक्स कमिटी। डीएक्स का मतलब होता है डिमांड ऑफ एक्स कमिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सेप्शंस। तो ये ही सारे क्या होते हैं, डिटरमिनेंट्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं। डिटरमिनेंट्स और फैक्टर्स का मतलब वो सारे कॉम्पोनेंट जिसकी वजह से डिमांड पे क्या होगा, असर पड़ेगा, डिमांड इफेक्ट हो सकता है, डिमांड या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्राइस किसी भी क्वान्टिटी ऑफ अ कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करोगे तो डिमांड उसकी घट जाती है, और प्राइस डिक्रीज करते तो डिमांड बढ़ जाती है। रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस का मतलब क्या होता है, रिलेटेड कमोडिटी में दो टाइप के कमोडिटी होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री, अभी आगे हमें पढ़ना है। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी को चेक करते हैं और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी चेक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टी और कॉफी, तो टी जो है मेन कमोडिटी है, कॉफी जो है आपका क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, कॉफी जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, टी नहीं है तो उसकी जगह आप कॉफी का यूज कर सकते हो, इसलिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस देखेंगे, उसमें प्राइस चेंज करेंगे और उसका इफेक्ट मेन कमोडिटी टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम चेक करते हैं। तो अगर कॉफी की प्राइस बहुत कम हो जाती है, कॉफी की प्राइस बहुत कम हो जाती है, तो लोग कॉफी पीना कम करके चाय पीना ज्यादा कर देंगे, तो उस केस में डिमांड ऑफ टी जो है ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि कॉफी की प्राइस जो है डिक्रीज हो गई है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इस टाइप से चेक करते हैं, अभी आपको डिटेल में कराऊंगा। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होएगा तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम डिक्रीज होगा कमोडिटी की डिमांड घट जाएगी। बट इसमें भी दो चीजें आती हैं, एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है गिवन गुड्स, तो उसकी हम बात अभी नेक्स्ट थोड़ी देर बात करेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो कंज्यूमर का जिस गुड्स के प्रति टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा होता है उस चीज़ का डिमांड मार्केट में ज़्यादा होता है, जिस चीज़ के प्रति टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम होता है उसका डिमांड कम होएगा। तो सिंपली डीएक्स का मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, पीएक्स का मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, आर का पीआर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, वाई फॉर इनकम, टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और एक ई भी होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस।
तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड ये रहा 5, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ यानी प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर आई या वाई से डिनोट करते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि ये एक्सेप्शंस नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, आगे एक्सपेक्टेशंस इसको कहेंगे। अब देखो सबसे पहला है क्या, प्राइस ऑफ कमोडिटी जो कि गिवन होता है, या प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ या प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। तो ये सिंपल सिंपल है, अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्रीज होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ कमोडिटी क्या होगा, इंक्रीज, अपोजिट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, या बचपन से पढ़ते आ रहे हो नॉर्मल चीज़ें, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं रहा मैं, आपको ऑलरेडी पता है कि भाई किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, डिमांड घटा दोगे, अगर प्राइस घट जाएगी तो डिमांड बढ़ा दोगे, सिंपल आसान है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो इसमें दो टाइप के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सबसे पहली बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे किसे कहते हैं, तो जैसे टी की जगह पे कॉफ़ी यूज़ कर देना, दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। बहुत सारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का बहुत सारे यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे टी कॉफ़ी, कोक पेप्सी, पेन पेंसिल, सीडी डीवीडी, इंक पेन, बॉल पेन, राइस और व्हीट, ये सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, एक की जगह पे दूसरे गुड्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं, जैसे टी और शुगर जो एक साथ होता है, दोनों एक साथ आएगा, ठीक है जी, दोनों एक साथ आएगा नहीं तो काम नहीं बनेगा। पेन और इंक, पेन के बिना इंक का काम नहीं, इंक के बिना पेन का काम नहीं है। कार पेट्रोल, भैया पेट्रोल नहीं होएगा तो कार चलेगी नहीं, तो कार पेट्रोल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं। फिर ये ब्रेड बटर, पेन रिफिल, ब्रिक एंड सीमेंट, तो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मैंने समझा दिया सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। अब इसमें ध्यान देना है, जैसे मान लो टी और कॉफ़ी है एग्जांपल के तौर पे, भैया टी तो मेन कॉमोडिटी है, टी इज़ गिवन कॉमोडिटी और सब्स्टिट्यूट कॉमोडिटी कौन है, कॉफ़ी, अभी बताया। तो हमें क्या करना है, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करेंगे और डिमांड ऑफ टी जो है उस पर क्या असर पड़ा रहा है वो हमें चेक करना है, क्या असर पड़ेगा वो चेक करेंगे। तो अगर मान लो कॉफ़ी की प्राइस बहुत घट गई, कॉफ़ी की प्राइस डिक्रीज कर दो, तो कॉफ़ी की प्राइस डिक्रीज करोगे ना तो कॉफ़ी का डिमांड इंक्रीज होगा, वो प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी में था, लेकिन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में हमें क्या चेक करना है कि कॉफ़ी की प्राइस घट गई है तो कॉफ़ी का डिमांड नहीं बल्कि टी के डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है आपका, कॉफ़ी है, क्योंकि नॉर्मली हम टी पीते हैं, तो कॉफ़ी की प्राइस घट गई तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा, टी का डिमांड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, घट जाएगा। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले उल्टा बता दिया था मैंने, करेक्ट, उसको ठीक कर लिया। तो अगर कॉफ़ी की प्राइस घट गई ना तो टी का डिमांड भी घट जाएगा, हम डिमांड टी का देखेंगे, क्यों भाई, कॉफ़ी सस्ता लगने लगेगा तो लोग टी पीना कम करके कॉफ़ी पियेंगे, और अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, टी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो सिंपल वर्ड में याद रख लेना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में निगेटिव रिलेशन होता है, कैसे इसको भी समझा देता हूँ। अब जैसे कार एंड पेट्रोल है, कार एंड पेट्रोल या टी एंड शुगर, तो इसमें देखो जी टी एंड शुगर, तो कह रहा है एन इंक्रीज इन दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, टी एंड शुगर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, जो शुगर है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है और टी जो है वो मेन कमोडिटी है, चाय जो है मेन कमोडिटी है, चाय बनाने के लिए हमें उसमें शुगर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब देखो शुगर का प्राइस चेक करो, शुगर की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो टी का जो डिमांड है, ज़रा बताओ टी का डिमांड है वो क्या हो जाएगा, टी का डिमांड जो है घट जाएगा। शुगर की प्राइस बहुत घट जाती है तो टी का डिमांड क्या है जी आपका, बताओ जी बताओ, बढ़ जाएगा, राइट, सेम वे में। तो इसलिए निगेटिव रिलेशन होता है किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री में। तो आपको सिंपल वर्ड में इतना याद रखना है सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है और प्राइस और मेन गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या पॉजिटिव रिलेशन होता है या निगेटिव एमसीक्यू के लिए, और कॉम्प्लीमेंट्री में निगेटिव होता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स, तो ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट है इनकम, तो ये तो बड़ा ही आसान है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक होता है लग्जीरियस गुड्स, और एक और भी गुड होता है जिसे बोलते हैं गिफन गुड्स, नीचे सबका मीनिंग बताया हुआ है। तो इनकम का इफेक्ट जो है इन तीन गुड्स पे अलग अलग पड़ता है, ध्यान देना। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, भाई इनकम बढ़ेगा, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मली वो क्या करेगा, नॉर्मल अगर गुड्स है ना, नॉर्मल जैसे हम लोग नॉर्मल क्लॉथ यूज़ करते हैं, नॉर्मल खाने पीने का व्हीट राइस ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं सीधा सीधा, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, यानी पॉजिटिव रिलेशन होता है, और लग्जरियस में क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है, अगर इनकम बढ़ेगी तो लग्जरियस गुड्स का भी डिमांड आप बढ़ा दोगे, मैंने उल्टा बता दिया क्या, हाँ जी,
लग्जरियस गुड्स में भी क्या होता है पॉजिटिव, गिफन गुड्स में निगेटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव लिख लो। तो नॉर्मली क्या है लग्जरियस गुड्स के केस में भी जो है आपका पॉजिटिव, लग्जरियस गुड्स का है नहीं वैसे, आपको रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ जो है इनकम के केस में नॉर्मल और गिफन गुड्स में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, दो ही चीज़ लिखना, वैसे गुड्स जो है तीन टाइप के हैं जी, तो नॉर्मल और गिफन गुड्स में पढ़ना। तो नॉर्मल गुड जब भी होता है ना तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन गिफन गुड्स होता है तो निगेटिव रिलेशन होता है। कैसे देखो, अगर आपकी इनकम बढ़ी तो नॉर्मली गुड्स का डिमांड जो है आप ज़्यादा करने लगोगे, इनकम घटेगी तो डिमांड आप कम कर दोगे। लेकिन गिफन गुड्स में उल्टा होता है, गिफन गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो क्वालिटी ऑफ गुड्स। जैसे अगर मान लो हमारे इंडिया में अगर जो गरीब लोग हैं सपोज, तो वो लो क्वालिटी के चावल खाते हैं। चावल की कई किस्में आती हैं, एक बासमती, एक बहुत बढ़िया, एक ठीक है, एक टुकड़ा, और एक बिना बासमती वाला जो आता है सस्ते दामों वाला। तो अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो जो लोग गिफेन गुड्स जो सस्ती क्वालिटी के सामान खा रहे थे, अब वो उसका डिमांड छोड़ देंगे और बढ़िया क्वालिटी के डिमांड खाएंगे। मतलब कि जो गिफेन गुड्स है, गिफेन गुड्स का मतलब लो क्वालिटी का गुड्स जो है, तो इनकम बढ़ने से लो क्वालिटी के डिमांड जो है क्या हो जाती है आपकी, घट जाती है और हायर वाली बढ़ जाती है। लेकिन जब इनकम घटती है तो लो क्वालिटी की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसमें निगेटिव रिलेशन होता है। लेकिन नॉर्मल गुड्स में क्या होता है पॉजिटिव, इनकम बढ़ती है तो नॉर्मली गुड्स का डिमांड बढ़ता है। तो आपको ये बता दिया इनकम ऑफ द कंज्यूमर का क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो भाई अगर बात बताओ, अगर आपको मैंने क्या कहा, आपको दो ऑप्शन दे दिया, आप मूवी थिएटर में जाके देखो या आप मूवी घर पे जो है अपना क्या कर लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अमेजोन वगैरह का, उससे बाय करके आप देख लो। तो अब एक बात सुनना ज़रा, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका किसका है, मूवी थिएटर में देखने का अगर आप शौकीन हो जो कंज्यूमर, तो वो प्राइस चाहे कितनी भी हो वो कहाँ पर जाएगा, वो थिएटर में ही जाएगा। तो डिमांड ऑफ मूवी टिकट्स क्या होगा, हाई होगा। तो जिस चीज़ का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज़्यादा होता है उस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है, जिस चीज़ का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम होता है उस चीज़ का डिमांड कम होता है। सिंपल वर्ड में ये याद रख लेना। नेक्स्ट है क्या, एक्सपेक्टेशंस। तो जिस चीज़ का एक्सपेक्टेशंस, अगर मान लो फ्यूचर में हमें ये लग रहा है कि किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है, सपोज अगर अभी कोई अफवाह फैल जाए कि भाई कल से जो है क्या हो जाएगा, अगर पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो आज ही रात को क्या है नंबर लगा देते हैं पेट्रोल पंप पे टंकी फुल करवाने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेशंस। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हाई होती है, प्राइस हाई होने के चांसेस हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस घटने के चांसेस होते हैं तो डिमांड घट जाती है। सिंपल ये होता है एक्सपेक्टेशंस। नाउ डिमांड स्केड्यूल, डिमांड स्केड्यूल ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो एक होता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जब कोई एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जो भी प्राइस गिवन होगा उस प्राइस पे जितनी भी क्वांटिटी का डिमांड करता है, तो उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड का। लेकिन जब मैं मार्केट, तो मार्केट में एक कंज्यूमर थोड़े होता है, मार्केट में कई सारे, एग्जांपल के तौर पे मान लो एक है सोहन, एक है मोहन। तो इंडिविजुअल वाला देखो, अगर प्राइस 1, 2, 3, 4, 5 है तो उसके क्वांटिटी डिमांड कौन कर रहा है, ये है मान लो, ये है आपका कौन, ये है सोहन। सोहन जो है जब प्राइस 1 रुपये है तो 10 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, प्राइस 2 रुपये हो गया तो क्वांटिटी डिक्रीज कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड घट रहा है, तो 1 रुपये पे 10 क्वांटिटी, 2 रुपये पे 9, 3 रुपये पे 8, तो ये हो गया इंडिविजुअल सोहन का। अब मान लो सेम प्राइस है, 1 से इंक्रीज होके 5 तक जा रहा है, तो सोहन 10, 9, 8, 7, लेकिन मोहन, मार्केट में मोहन भी है, मोहन भी सेम कॉमिटी को खरीद रहा है, लेकिन मोहन 1 रुपये पे 6 कॉमिटी खरीदता था, 2 रुपये पे 5, 3 रुपये पे 4, फिर 3, 2, तो ये 2 लोग उस मार्केट में हैं। तो इन दोनों का जब हम सम कर देंगे ना, तो वो मार्केट डिमांड कहलाता है। या सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है, मार्केट में जितनी भी कंज्यूमर है, यहाँ तो 2 का एग्जांपल करा, 3 का भी हो सकता है, 4 का, 10 का, तो जिस भी मार्केट में जितनी भी कंज्यूमर लोग हैं उन सबके डिमांड को आप जोड़ दोगे, इकट्ठा कर दोगे इन रिलेशन टू प्राइस, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड स्केड्यूल बन जाता है। तो इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ एक इंसान का, ठीक है, टेबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस, तो स्केड्यूल होता है। और जब हम मार्केट में जितनी भी लोग रह रहे हैं, ऑल दी कंज्यूमर्स इन द मार्केट कंज्यूमर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमिटी अवेलेबल इन द मार्केट, और जो भी प्राइस दिया रहेगा तो उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, मार्केट डिमांड। लेकिन कर्व की बात करें तो सेम होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, याद रख लेना, और स्केड्यूल क्या होता है, टेबुलर स्टेटमेंट या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जब मैं सेम जो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल था उससे कर्व बनाऊंगा, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा, मार्केट डिमांड स्केड्यूल से मार्केट डिमांड कर्व बनता है। तो इंडिविजुअल वाले डिमांड कर्व का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वन इंडिविजुअल
और रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब वो जो ऊपर वाला डायग्राम था ना, अगर आप उससे बनाते हो, देखो जरा जी, अगर ये जो स्केड्यूल है इससे मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जीरो है, एक्स एक्सिस पे ऑलवेज क्वांटिटी डिमांड होता है, वाई एक्सिस पे प्राइस होता है। तो प्राइस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। डिमांड कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10 कर देता हूँ। तो जब 1 रुपये है तो डिमांड कितनी है, 10 यूनिट। 2 रुपये पे डिमांड 9 यूनिट्स हो जाती है, 3 रुपये पे 8 यूनिट्स हो जाती है, 4 पे कितनी हो जाती है, 7। तो इस टाइप से जब आप बना दोगे 5 पे, तो ये आपका डिमांड कर्व हो जाएगा। इस टाइप से जब आप बनाओगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका डिमांड कर्व कैसे बन सकता है, अब ये बताया था, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और आपका कर्व टाइप भी हो सकता है। तो जैसे मर्जी वैसे डिमांड कर्व बना लो आप। फिर है क्या, मार्केट डिमांड। तो मार्केट में सोहन का अलग बनाओ, मोहन का अलग, और दोनों का जोड़ के बना दो तो मार्केट। तो यहाँ पे देखो जिसने दिखाया हुआ है, तो ये था इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में ये एक पर्सन का है, ये दूसरा है, मान लो ये सोहन है, ये मोहन है, और इन दोनों का बना दिया, तो इसे हम लोग मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी याद रखते हैं ना, मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर होता है, और जो आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व है वो क्या होता है, स्टीपर होता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्टीपर होता है, मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है जी, मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर होता है। ये प्रॉपर्टी याद रख लेना। लॉ ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड शेज अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। अदर थिंग्स मतलब अदर फैक्टर्स, अदर डिटरमिनेंट्स एक्सेप्ट प्राइस। तो सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होएगा, प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड जो है इंक्रीज होएगा, इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। और अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ लेटर रूट, ये सारे कांस्टेंट हम मानते हैं, और सिर्फ प्राइस की वजह से इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसे हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट है अजम्पशंस। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो वही बता दिया, अजम्पशंस वही है कि भाई आपका क्या होगा, टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं है, मार्केट डिमांड के लिए पॉपुलेशन वगैरह का। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहेगा, इनकम में कोई चेंजेस नहीं होएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये सारी चीज़ें सेम रहेगा, एक्सपेक्टेशन में कोई चेंजेस नहीं है, तभी लॉ ऑफ डिमांड होएगा, अदरवाइज तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं हो पाएगा। कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसके अलावा क्या है, इनकम इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, ये सब उतना पढ़ना नहीं आपको, बट फिर भी आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो जैसे एक्सेप्शंस गिवन गुड्स होता है, कॉन्स्पिशियस गुड्स होता है, ठीक है, नेसेसिटीज वाले गुड्स होते हैं, इग्नोरेंस ऑफ द वायर। तो मेनली आपको इसमें गिवन गुड्स याद रख लेना, गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता, गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है, वो अलग ही चलता है। कहाँ, ऊपर में बताया था मैंने, यहाँ पे कुछ गलत बता दिया है, गिवन गुड्स निगेटिव थोड़े होता है, गिवन गुड्स का पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये इन इनकम का इफेक्ट था, ठीक है, ये तो सही है। नॉर्म गिवन गुड्स का प्राइस के रिलेशन में जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब वो रूल को फॉलो नहीं करता, अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो गिवन गुड्स के केस में गिवन गुड्स का क्या है, डिमांड भी बढ़ जाता है, ये होता है, तो वो रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए एक्सेप्शन होता है। लास्ट 6 टॉपिक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 6 देखो, 6 के बाद एक 7th भी है, सुनो। 6 कह रहा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, और ये सिर्फ और सिर्फ चेंज इन डिमांड है। जहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज की बात करें ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज किससे होता है, प्राइस से होता है, और ये होता है अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से, इतना चीज़ें ध्यान रख लेना, बस अपने आप समझ आ जाएगा। देखो, उसके अलावा जो चेंज इन डिमांड होता है ना, चेंज इन डिमांड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चेंज इन डिमांड को हम लोग बोलते हैं क्या, इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम लोग मूवमेंट भी बोलते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्ट का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो शिफ्ट और इंक्रीज डिक्रीज ये ऑलवेज अदर फैक्टर से होएगा, और ये प्राइस से होता है। तो देखो जी, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज का मतलब शिफ्ट है, तो ये किसकी वजह से होएगा, प्राइस की वजह से होगा, लेकिन एक्सपेंशन जो है वो अदर फैक्टर्स की वजह से होएगा। ठीक है जी, क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू, उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ जी ये रहा, ये एक्सपेंशन है ना, तो ये आपका प्राइस की वजह से होएगा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो शिफ्ट है ये अदर फैक्टर्स की वजह से। तो ये देखो, अगर आपका एक्सपेंशन का मतलब हो जाना इंक्रीज हो जाना, तो एक्सपेंशन तो ये प्राइस के फॉल की वजह से होएगा, इंक्रीज इन तो अदर फैक्टर्स की, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ अदर फैक्टर्स लिख लेना एक्सेप्ट प्राइस, ठीक है जी, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। यहाँ पे है प्राइस फॉल हो रहा है, यहाँ पे सब्सिशंस या कॉम्प्लीमेंट्री या इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इन सब के बढ़ने घटने से होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, मेन है समझना ये,
अगर प्राइस क्या हो रहा है, पहले भी 4 रुपये, अभी भी 4 रुपये है, प्राइस क्या हो रहा है, ये जो आपका है इंक्रीज और डिक्रीज में, प्राइस पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, लेकिन डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे, बताओ जी बताओ, इसे इंक्रीज बोलोगे। लेकिन प्राइस 2 रुपये था, प्राइस घट गया और 8 से 10 हो गया, तो इसे आप क्या बोलते हो, एक्सपेंशन बोलते हो। एक्सपेंशन ये प्राइस की वजह से हो रहा है, और ये प्राइस सेम ही है, तो यानी अदर फैक्टर्स की वजह से भी तो डिमांड घट बढ़ सकता है। तो जैसे अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपको इंक्रीज, लेकिन प्राइस की वजह से इंक्रीज इन डिमांड होता है तो उसे हम एक्सपेंशन बोलते हैं। इसका कर्व इस टाइप से बनता है, प्राइस की वजह से जब होता है ना इंक्रीज तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, लेकिन ये जो होता है एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पे था डिमांड, अब ये डिमांड बढ़ के यहाँ पे हो गया, इस वाले पॉइंट पे हो गया, D1 हो गया। इसके अलावा दूसरा होता है डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन भी किसकी, प्राइस की वजह से होएगा, लेकिन प्राइस के राइज होने की वजह से होएगा। तो प्राइस पहले क्या था, देखो जी प्राइस यहाँ पे था, प्राइस बढ़ के यहाँ पे आ गया है, ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ, इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ मैं, बिकॉज रिवीजन करा रहा। तो पहले डी था और ये D1 हो गया, और ये किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर्स, ये जो होता है अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, और इसमें प्राइस सेम रहेगा, डिमांड डिक्रीज हो गया है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब है राइटवर्ड शिफ्ट होएगा, ये ध्यान रख लेना, इससे MCQ आ सकता है। राइटवर्ड डिक्रीज का मतलब राइटवर्ड, इंक्रीज का मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट मतलब डिक्रीज, यहाँ पे मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, बस यही था और कुछ ना था नहीं। नेक्स्ट है आपका क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद रख लेना, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स, ध्यान रख लेना। एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब इलास्टिसिटी बोलेगा तो इलास्टिसिटी का मतलब डिमांड में चेंजेस हो जाना, डिमांड में कितने कितने डिग्री से चेंज हुआ है, तो डिमांड में किसकी वजह से चेंज होता है, बहुत सारे फैक्टर्स जितने भी डिटरमिनेंट्स है उसकी वजह से, तो उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलू, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो सिर्फ प्राइस की वजह से जो डिमांड में चेंज होता है उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। वैसी एक इनकम इलास्टिसिटी होता है, एक क्रॉस इलास्टिसिटी होता है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये जब आप CUT एग्जाम क्लियर करके ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, BCOM BBA इन सब में। तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ना है। प्राइस इलास्टिसिटी में फर्दर 3 मेथड होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो 3 मेथड, परसेंटेज मेथड, ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनल मेथड, इससे MCQ आएगा, याद रख लेना। परसेंटेज मेथड को प्रोपोर्शन मेथड कहते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड को पॉइंट मेथड भी कहते हैं, और टोटल आउटले मेथड को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, आउटले या एक्सपेंडिचर मेथड, ये अलग अलग दोनों के नाम है, ये नाम याद रखना, MCQ आ सकता है इससे भी। नेक्स्ट है सबसे पहला परसेंटेज मेथड, तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला याद रख लेना, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू क्यू अपन पी, और निगेटिव का साइन देना मत भूलना, या फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, को कैसे बोलते हैं और करके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू 100 अपॉन में डेल्टा, उल्टा बोल दिया ना मैंने, क्या बोल दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दिया, हाँ जी ये रहा गड़बड़, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से इंटू करना ना, तो ये सारे फार्मूले सेम है। उसके अलावा ज्योमेट्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं, तो ज्योमेट्रिक मेथड में लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट होता है, ये ज्योमेट्रिक मेथड का फार्मूला होता है टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ज्योमेट्रिक मेथड ज्योमेट्री पे होता है, ये जो डिमांड कर्व होता है ना, ये जो डिमांड कर्व है, ये जो आपका डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व, इसमें डिमांड कर्व ये ड्रॉ कर दिया। तो ज्योमेट्रिक मेथड में याद रख लेना, 5 टाइप्स के क्या होते हैं जी, 5 टाइप्स के क्या होते हैं, इलास्टिसिटी होते हैं। परसेंटेज मेथड में भी 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन जब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ तीन ही टाइप का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मेन पढ़ो पहले डिग्री, तो डिग्री 5 ही होता है, इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट, इलास्टिसिटी इक्वल टू इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 0। ईडी को जो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शॉर्ट में ईडी से डिनोट करते हैं, तो ईडी का डिग्री जो है, प्राइस इलास्टिसिटी का 5 डिग्री हो सकता है, एक तो इक्वल टू 0, इक्वल टू इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1।
जो इक्वल टू वन होता है उसे यूनिट इलास्टिक भी बोलते हैं, इसको हम लोग सिर्फ इलास्टिक बोल सकते हैं, जो मोर देन वन होता है उसे मोर देन वन बोलते हैं, और याद रखना इनफाइनाइट को परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इन दोनों को इलास्टिक बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है जी, इलास्टिक इसलिए है क्योंकि एक से ज़्यादा है, और इसको इन इलास्टिक बोलते हैं क्योंकि ये एक से कम है, लेकिन जब जीरो हो जाता है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, यहाँ पे इन इलास्टिक होना चाहिए, इम परफेक्टली इलास्टिक बोलो या परफेक्टली इन इलास्टिक, इसको इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक या इम परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये पांच टाइप के डिग्री किसमें, ज्योमेट्रिक मेथड में भी होते हैं और परसेंटेज मेथड में भी होते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड में कैसे मेजर करते हैं, तो ये पॉइंट है यहाँ पे देखो जी, लोअर सेगमेंट अपर अपर सेगमेंट, जब भी हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है ज्योमेट्रिक मेथड में, पॉइंट मेथड में, तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट होता है जी। इसमें कैसे, अगर मान लो ये कोई पी पॉइंट है, ये कई सारे पॉइंट दे दिए एम ए पी बी और एन, तो पी पॉइंट पे निकालना है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पी पॉइंट, तो लोअर सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक लोअर सेगमेंट है, इसके ऊपर तक अपर सेगमेंट है, तो आप क्या करोगे, लोअर सेगमेंट कितना हो गया सर, लोअर सेगमेंट है P से लेके PN, PN और P से लेके PM, तो जितना जितना आपका ये वाला पोर्शन है उतना ही है, तो इसलिए ये इक्वल हो जाएगा वन। अब एग्जांपल के तौर पे A पॉइंट में निकालना है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट A पॉइंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, अब देखो जरा यहाँ पे लोअर सेगमेंट AN है, AN, अपर सेगमेंट AM, तो ए एन ज़्यादा बड़ा है, ओ ए एन अपॉन में ए एम, तो ये ग्रेटर देन वन होएगा, क्यों सर, क्योंकि लोअर सेगमेंट ज़्यादा है अपर सेगमेंट छोटा है कम है, तो ग्रेटर देन वन हो जाएगा, जब भी न्यूमरेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो ग्रेटर देन वन होता है, तो इसी टाइप से यहाँ पे ग्रेटर देन वन है, यहाँ पे इक्वल टू वन है, यहाँ पे लेस देन वन है, क्योंकि यहाँ पे लोअर सेगमेंट और ये अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट छोटा अपर सेगमेंट ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे लोअर सेगमेंट है ही नहीं कुछ, तो जीरो डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, तो इसलिए आंसर जीरो, यहाँ पे लोअर सेगमेंट तो बहुत कुछ है लेकिन अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं, तो अपर सेगमेंट किसी भी चीज़ में जीरो से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए ये इनफाइनाइट है। तो ये पांच टाइप के होते हैं। लास्ट है क्या आपका, टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, बस अब इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो रहा है, तो इतनी और ज़्यादा कुछ नहीं। तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड, तो इसे हम लोग कैसे, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स। इसमें तीन ही टाइप के इलास्टिसिटी होते हैं, एक तो ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, लेस देन वन, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट बात है, जब वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा कहाँ है ये देखो, जब ना यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन है, एक एक है अपोजिट डायरेक्शन और एक होता है कांस्टेंट, तो याद रख लेना टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर, अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इक्वल टू वन होगा। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा ना, सुनना जरा, टोटल एक्सपेंडिचर जो हैगा एंड इसमें टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस में, प्राइस में रिलेशनशिप देखना पड़ता है, तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन होएगा, अगर नेगेटिव रिलेशन होएगा, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, प्राइस घट रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो उस केस में अगर इनवर्स रिलेशन हो, नेगेटिव रिलेशन हो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन होता है, इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो ग्रेटर देन वन होगा। लेकिन जो फर्स्ट केस है ना, जब टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस में कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन होएगा, सेम डायरेक्शन, तो उस केस में इलास्टिसिटी लेस होएगा। कहाँ पे देखो, इस टेबल से समझो, इस टेबल से समझाते हैं, नंबर वन, नंबर टू और टेबल नंबर थ्री, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो ये टेबल देखो, प्राइस 10 है और 8 है, प्राइस 10 से घट के 8 हो गया है, तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले 12 था, अब ये बढ़ गया, भाई प्राइस घटेगा तो डिमांड तो बढ़ेगा, लेकिन हमें चेक करना है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच रिलेशन देखना है। प्राइस पहले 10 था, अब 8 हो गया, 120 था, अभी 120, ओहो नो चेंज, प्राइस इलास्टिसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो ये इक्वल टू है, प्राइस ऐसे कह रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर पहले भी 120 अभी 20, तो ये कॉन्स्टेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इक्वल टू होने होगा, यही हमने यहाँ पे थर्ड वाला केस पढ़ा था, ठीक है, तो ये थर्ड वाला केस पड़ा था। तो ये होता है इसका डायग्राम, अगर बना के देखते हैं तो डायग्राम में ये वाला पोर्शन होता है। सेकेंड है क्या, यदि आपका प्राइस 10 से 8 हो जाता है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इनकम जो है आपकी, इनकम कह रहा हूँ, डिमांड फिर क्या होगा, अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है, 12 से 20 ही हो रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है,
भाई प्राइस डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, निगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? ग्रेटर देन वन होगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज, और एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर में हो रहा है आपका डिक्रीज, प्राइस भी डिक्रीज, एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज, तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया दोनों के बीच में, तो इसलिए इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन वन। तो इसमें क्वांटिटी डिमांड में हमें चेक नहीं करना, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस का रिलेशनशिप देखना होता है और उससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करना होता है। तो ये तीन थे, यहाँ से याद रख लेना, अगर सेम डायरेक्शन है तो लेस इलास्टिक होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ग्रेटर इलास्टिक होता है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस चाहे चेंज हो तो उसमें इक्वल टू वन होता है, यूनिट इलास्टिक होता है। तो ये आई होप आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है जी। ये इसका डायग्राम होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, ये इसका स्केड्यूल वगैरह बना दिया, ये मैंने डिग्रीज पहले ही बता दी है। डिग्रीज के अंदर याद रख लेना, जो परसेंटेज मेथड होता है, ध्यान दो, परसेंटेज मेथड में 5 डिग्री होते हैं, 5 आपको कर्व बना के दिखा दे रहा हूँ फास्ट फास्ट, ठीक है। तो जब इस टाइप से डिमांड कर्व होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू वन होता है, थोड़ा सा फ्लैटर होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन होता है, अगर डिमांड कर्व स्टीपर होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इस टाइप से डिनोट करते हैं, तो ये लेस देन वन होता है। अगर इस टाइप से होता है डिमांड कर्व तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा जरा बताओगे, और एक होता है इस टाइप से, तो इसमें क्या हो रहा है, इस केस में इस पे प्राइस होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, राइट। तो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस कॉन्स्टेंट है, चेंज इन प्राइस नीचे होता है और ऊपर में होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे होता है, तो नीचे वाला जीरो है, तो इसलिए ये ईडी क्या होगा, इनफाइनाइट, और ये जो है ईडी क्या होगा, ये जीरो होगा। क्यों सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है, प्राइजेस चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से इनफाइनाइट। अगर मैं इन सबको एक ही डायग्राम पर बनाऊँ बढ़िया तरीके से, तो एक डायग्राम पर क्या होता है, ये आप जो है यहाँ पे कैसे बनाओगे, यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक इस टाइप से, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसमें क्या है, ये वाला जो है ईडी वन है, ये वाला जो ईडी होता है ये आपका जो है इनफाइनाइट है, ये वाला जो ईडी है ये ज़ीरो है, ये वाला जो ईडी है वो लेस देन वन है, और ये वाला जो ईडी है ग्रेटर देन वन। तो ये एक ही डायग्राम में बन सकता है, बाकी ये 5 डिग्रीज हैं, ये आपके डायग्राम भी पांचों के बता दिए मैंने। इसके बाद आते हैं क्या, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और गिफन गुड्स, ये 5 टाइप के गुड्स होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ध्यान दो। एक होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब जैसे मिल्क, पल्स, ग्रेन, फूड, वेजिटेबल्स, क्लॉथ, ये सब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल इंसान, जो नॉर्मल चीज़ें की जरूरत होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स होता है, इन्फीरियर का मतलब लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, इन्फीरियर का मतलब लो, ठीक है जी। टोंड मिल्क, एक मिल्क दो तरीके का होता है ना, एक टोंड मिल्क, एक होता है क्या, फुल क्रीम, ठीक है। तो ये टोंड मिल्क जो है लो क्वालिटी का है। इसके अलावा एक होता है सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, अभी बता दिया, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, टी कॉफी, बहुत सारे एग्जांपल पर होता है जो एक दूसरे के जगह पे यूज़ किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ होता है, कार पेट्रोल, पेन इंक, ब्रेड बटर, तो एक के बिना दूसरे का काम नहीं चले, उसे कॉम्प्लीमेंट्री। और गिफन गुड्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स। बेसिकली गिफन गुड्स क्या है, सर रॉबर्ट, इनका नाम था सर रॉबर्ट गिफन, सर रॉबर्ट गिफन पूरा नाम है, ये आर्मी मैन थे, यूके के आर्मी मैन थे आई गेस, या किसी दूसरे कंट्री के थे, इसके बारे में भी आपको ग्रेजुएशन में पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरी कहानी पढ़नी है 4-5 पेजों का, ठीक है। तो बस इतना याद रख लेना, गिफन गुड्स इज अ काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स होता है, राइट। अब इसके बारे में एक चीज़ ये पढ़ के जाओ, एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इन्फीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इसमें ना प्राइस का इफेक्ट नहीं होता, इसमें इनकम इफेक्ट देखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इनकम इफेक्ट को देखा जाता है, इनकम की वजह से इसके डिमांड में चेंजेस आता है, इनकम की वजह से। अगर इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड घटेगा। तो इनकम और गुड के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स में निगेटिव होता है। इनकम अगर बढ़ेगा, पहले बताया था, तो डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स घट जाता है, लोग जो है अब लो क्वालिटी के गुड्स खाना कम करके अच्छी क्वालिटी के गुड्स खाते हैं। इनकम जब घट जाती है तो नॉर्मली लोग लो क्वालिटी पर आ जाते हैं, तो इसीलिए ध्यान देना, इनकम अगर क्या होता है, बढ़ता है तो लो क्वालिटी के गुड्स छोड़ देते हैं, यानी लो क्वालिटी के गुड्स की डिमांड घट जाती है। इनकम घटती है तो लो क्वालिटी के गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसलिए नेगेटिव रिलेशन होता है। ये इसका स्केड्यूल होता है, इसमें प्राइस के ऊपर कोई भी वो नहीं होता, मेनली इनकम पे होता है। प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स, प्राइस ऑफ, ये प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड, नॉर्मल गुड्स, अच्छा ये इन्फीरियर गुड्स का दोनों का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से होता है, इनकम की वजह से होता है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री। तो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑलरेडी बता दिया, सब्स्टिट्यूट का मतलब टी एंड कॉफी, टी मेन कॉमोडिटी है और कॉफी जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो कॉफी का प्राइस अगर घटेगा
तो टी की डिमांड घट जाएगी। पॉजिटिव रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, पहले ही बता दिया, और इसमें होता है निगेटिव, ये ध्यान रख लेना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का होता है निगेटिव, इसके ये डायग्राम होते हैं, तो इतना डायग्राम वगैरह उतना आएगा नहीं, मेनली आपको मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, दैट्स इट। बाकी आप डिटेल में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, क्लास लेवन में मैंने रिवाइज करा दिया, तो थोड़ा सा डिटेल में आप जो है यहाँ से पढ़ लेना। नोट्स वगैरह आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगा और वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। बाकी मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला भी अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी एमसीक्यू क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारे जो है नोट्स वगैरह वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो इसी के साथ बाय बाय, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी भी टाइप का डाउट हैगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मेरे को।